हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम जाने वाले एक रई शहर के सफर पर, जी हां, जहां किसी धर्म की निंदा करने पर 7 साल की जेल हो सकती है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग यहां पे बसे हुए हैं और शहर में किसी की बिना इजाजत के फोटो खींचना ना, ये गैर कानूनी है। और रमजान के महीने में सड़कों पर कुछ भी खाना पीना मना है। इस शहर ने अब तक के सबसे महंगे फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। अब तो आप समझ गए होंगे, ये एक ऐसा शहर है जहां लोग इनकम टैक्स के झंझट से टेंशन फ्री है, देना ही नहीं है और क्या। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत और डेवलप शहर दोहा की, जो रईस देश कतर की राजधानी है। तो चलिए एक साथ चलते हैं दोहा के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। 1820 में स्थापित दोहा को आधिकारिक तौर पर 1971 में इसे कतर की राजधानी घोषित किया गया था और आज ये कतर के सबसे विकसित और अमीर शहर के रूप में जाना जाता है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले दोहा को ऊँटों की सवारी, टीलों पर बगी की सवारी, डेजर्ट में रेत से मस्ती, खुले बाजारों की चहल पहल और कमाल के मॉल्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। शहर कुल 6,66,000 की आबादी के साथ कतर का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसे आप सुन्नी मुस्लिम सिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का 65.5% हिस्सा सुन्नी समुदाय का है, जबकि 14% के अराउंड यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं। कुल मिलाकर दोहा में आपको धर्मों के लिहाज से गजब का सम्मान देखने को मिलेगा। दोहा की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी भी कमाल की है। शहर में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से सबसे ज्यादा लोग बसे हुए हैं। आलम यह है कि मूल निवासियों से ज्यादा यहाँ पे इमिग्रेंट्स की संख्या नजर आती है। हर साल रोजगार की तलाश में दोहा में हजारों लोग आकर बसते हैं और शहर की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मददगार साबित हो रहे हैं। दोस्तों, दोहा की चहल पहल कभी न भूलने जैसी है, क्योंकि कतर की 80% के लगभग आबादी इसी शहर के इर्द गिर्द बसी हुई है। दोहा कतर की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ राजनीतिक राजधानी भी मानी जा सकती है, क्योंकि इसी शहर में कतर के मेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अन्य खाड़ी देशों और शहरों की तरह दोस्तों, दोहा में भी अरबी आधिकारिक भाषा है, जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग बोलते हैं। हालांकि इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी में भी लोगों का हाथ साफ है, जिसकी वजह से दोहा आने वाले पर्यटकों को कुछ खास परेशानी नहीं होती है। वैसे दोस्तों, दोहा में आपको हिंदी बोलने वाले लोग भी मिलेंगे और दोहा में आपको डेजर्ट की सफारी से लेकर गगनचुंबी इमारतों का दीदार किया जा सकता है। इस शहर के लोगों को सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शुमार किया जाता है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $88,000 को क्रॉस कर चुकी है। शहर में आपको बेरोजगार तो देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी रेट 1% से भी कम है। इतना पैसा होने के चलते यहाँ हर किसी के पास में अपना घर, खुद की शानदार गाड़ियाँ, अच्छा काम, रोजगार, बिजनेस, लाइफस्टाइल और कमाल की जिंदगी है। सबसे अच्छी बात है कि दोहा में लोगों को किसी भी तरह का इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, टेंशन फ्री रहो। इसके अलावा सरकार अपने लोगों को बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में देती है। और तो और, दोहा के लोगों को बाकी टैक्सेस यानी कि कारों में भी काफी छूट मिलती है। यानी कि लोगों को कमाना है और उड़ाना है, मजे करना है फुल टू। देश के इनकम सोर्स में ज्यादातर तेल हिस्सा पेट्रोल, नेचुरल गैसेस का है। इन सब के अलावा टूरिज्म और इंडस्ट्रियल एरिया भी दोहा की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन दोहा को एक चीज बहुत महंगी पड़ती है दोस्तों, और वो है पानी। दरअसल दोहा एक रेतीला शहर है, यानी कि यहाँ पे समुद्र, नदियों, झीलों और तालाबों से ज्यादा रेगिस्तान है, जिस वजह से यहाँ पे पानी की काफी किल्लत रहती है। यहाँ समुद्र के पानी को साफ करके यानी कि डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के जरिए पीने योग्य बनाया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी महंगा पड़ता है। इसलिए इस शहर में बाकी खाड़ी देशों और शहरों की तरह पेट्रोल तो सस्ता है, लेकिन पानी महंगा है। इसके अलावा रेतीले और बंजर जमीन होने के चलते दोहा में खेती भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ अनाज और फ्रूट जैसे खाने की सामग्री दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाई जाती है। हालांकि यहाँ पे खजूर की खेती कई जगहों पर बड़े स्केल पर की जाती है। दोहा में शिक्षा पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये कतर का एजुकेशनल सेंटर भी माना जाता है, जहाँ स्कूल्स और कॉलेज की संख्या सबसे ज्यादा है। शहर का लिटरेसी रेट 93% से भी पार कर चुका है। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दोहा में एजुकेशन के प्रति लोग और युवा कितने सजग हैं। इसके अलावा शहर की मेडिकल फैसिलिटीज का भी कोई जवाब नहीं है। जरूरत पड़ने पर नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाती है। दोहा में डॉक्टर, नर्सेज और अच्छे हॉस्पिटल्स की भी कमी नहीं है, जिसके चलते यहाँ लोग बीमारी के अभाव में कभी भी अपनी जान नहीं गंवाते हैं। हेल्दी खान पान के चलते शहर के लोग काफी हटे कट्टे और हेल्दी भी माने जाते हैं। आज के दोहा को देखकर ये कह पाना काफी मुश्किल है कि एक समय पर यही शहर बहुत ही बुरे दौर से भी गुजरा था, कि लोगों के पास रहने को घर, पहनने को ढंग के कपड़े और खाने को अच्छा खाना भी नहीं हुआ करता था। 1971 में ब्रिटेन से आजादी से पहले तक दोहा में लोग सिर्फ फिशिंग और मोतियों के कारोबार पर ही डिपेंड रहा करते थे। हालांकि आज हालात बदल चुके हैं। दोस्तों, दोहा में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रमजान के महीने में बिल्कुल ना जाएं। जी हां, क्योंकि कतर एक इस्लामिक देश है और दोहा इस्लामिक शहर, जहां रमजान के महीने को बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। और इन दिनों खुले में या फिर सड़क पर खाना पीना नहीं, ये तो भैया सख्त मना है। इवन कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स को तो इस दौरान बंद ही रखा जाता है। दोहा में तो दो तरह के लॉज फॉलो किए जाते हैं, एक सिविल लॉ और दूसरा शरीयत लॉ। शरीयत लॉ के मुताबिक इस्लामिक परंपराओं को फॉलो किया जाता है और दोहा में अगर आप महिला हैं और घूमने गई हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके कपड़े ऐसे हों जो कंधे और घुटनों को कवर करें। हालांकि यहां सैलानियों पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है, लेकिन हां,
हम किसी देश या शहर की संस्कृति का असम्मान तो नहीं कर सकते हैं। दोहा में आप किसी महिला, पुरुष या अनजान शख्स की इजाजत के बिना तस्वीर खींचने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, वरना सजा भुगतनी पड़ सकती है। और यहाँ की महिलाओं से हाथ मिलाने का ख्वाब, अरे भैया ये तो ख्वाब भी ना देखो। जी हाँ, क्योंकि दोहा में किसी भी महिला का पराए मर्द से हाथ मिलाना बिल्कुल मना है। यहाँ अगर आपको कोई एड्रेस पूछना है तो कोशिश करें कि किसी पुरुष से ही पता करें, महिला से नहीं। इस शहर में आप खुले में शराब नहीं पी सकते हैं, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसके लिए आपको जेल तक हो सकती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों से बदतमीजी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। शहर में किसी भी धर्म की निंदा करना गैर कानूनी माना जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इन अजीबोगरीब कानून और नियमों को भुला दिया जाए तो दोहा, अरे भाई दोहा को आज वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में काउंट किया जाता है। दोस्तों, कतर के इस खूबसूरत से शहर में आपको एक विशाल साइकिलिंग ट्रैक देखने को मिलेगा। 33 किलोमीटर लंबा ये साइकिलिंग ट्रैक कुल 29 अंडरपास से होकर गुजरता है और इसे सबसे लंबा ट्रैक होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा शहर में मेट्रो रेल लाइन की भी सुविधा मौजूद है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान तैयार किया गया था। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट को अब तक का सबसे महंगा टूर्नामेंट माना जाता है, क्योंकि इसके लिए कतर ने पानी की तरह पैसे बहाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए 220 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे खर्च किए थे। इसी टूर्नामेंट के लिए दोहा में 8 फुटबॉल स्टेडियम बनाए गए, जिन्हें आज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस सबसे शानदार स्टेडियम्स में शुमार किया जाता है। अब बात अगर गेम्स की आई है तो आपको बता दें कि दोहा में फुटबॉल को काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बोट रेसिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स लवर भी भरे पड़े हैं। दोस्तों, दोहा के पास एक से बढ़कर एक ऊंची इमारतें हैं, जिनमें बेलनाकार आकार का एस्पायर टावर है। जी हाँ, जो दोहा की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। 300 मीटर ऊंचा ये टावर 36 मंजिला और सैलानियों को अपनी ओर जमकर आकर्षित करता है। दोहा में घूमने के लिए, देखने के लिए कई शानदार जगह मौजूद है। यहाँ के म्यूजियम और होटल्स की खूबसूरती तो पर्यटकों को यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देती है। शहर का सबसे फेमस म्यूजियम है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। ये शहर का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आर्ट म्यूजियम भी है, जहाँ इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई कई अद्भुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप कतर नेशनल म्यूजियम का भी दीदार कर सकते हैं। दोहा टावर को देखना भी गजब का नजारा पेश कर सकता है, क्योंकि इसे दोहा के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक माना जाता है। साथ ही कतर की नेशनल लाइब्रेरी भी आपको इसी शहर में देखने को मिलेगी और मशीरेब म्यूजियम भी। चलिए अब जरा आपको दोहा के जायके से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जो वाकई में बेहद कमाल और यमी है। मचबूस दोहा की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, जिसके चाहने वाले आपको पूरे कतर में देखने को मिलेंगे। वहीं मदरोबा के जायके को चखना भी कंपलसरी है। इसके अलावा शहर में कौसा, महशी, खान फरोश जैसी डिशेज भी चखने को मिलती है। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो फिर तो क्या ही कहना, दोहा में आपको बढ़िया मजा आने वाला है। हालांकि वेजिटेरियंस के लिए दोहा में कई वेजिटेरियन और इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। हो सकता है कि दोहा आपको एक महंगा शहर पड़े, लेकिन दोस्तों ये दुबई से ज्यादा महंगा नहीं है, बल्कि दुबई से आप इसे एक सस्ता शहर ही मान सकते हैं, जहां आपको शॉपिंग से लेकर खाना और यात्रा तक अपने बजट में ही पड़ेगी। इस शहर में सैलानियों का साल भर जमावड़ा देखने को मिलता है। और दोस्तों, दोहा को आज दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, इसीलिए क्योंकि यहां हर क्राइम पर मौत से भी बदतर सजा का प्रावधान है। चोरी, लूट, छेड़खानी और इवन किसी की निंदा करने पर भी दोहा में जेल, जुर्माना और सजा के प्रावधान है। इसके अलावा यहां लोगों के पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो फिर जुर्म भला क्यों ही करेंगे, सीधी सी बात है। दोहा शहर के पूर्व में स्थित हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। ये पुरानी हवाई अड्डे के साइज से लगभग 2 गुना बड़ा है और इस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे लंबे रनवे में से एक माना जाता है। साल 2019 में यहां 38.8 मिलियन से भी ज्यादा आबादी पहुंची थी, यानी कि दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। कतर में घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों यानी कि नवंबर से जनवरी के दौरान माना जाता है, क्योंकि दोहा सबसे गर्म शहरों में भी काउंट किया जाता है। यहां औसतन टेम्परेचर 31 से 41 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। इसलिए अगर आप दोहा घूमना चाहते हैं तो ट्रिप सर्दियों में ही प्लान करें। यहां पहुंचने के लिए आपको एयरपोर्ट तो मालूम हो गया, अब फ्लाइट की बात करें तो वो आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों से डायरेक्ट मिल जाएगी। पहुंचने के बाद आप दोहा का उन्नत ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देख पाएंगे। दोहा जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी और सभी डॉक्यूमेंट्स होने पर आप 6 से 7 दिनों में वीजा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोहा वीजा ऑन अराइवल की भी सुविधा भारतीयों को प्रदान करता है, यानी कि आप वीजा दोहा पहुंचने के बाद भी कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो ई वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां की करेंसी कतरी रियाल है और यहां घूमने के लिए आपको 40 से 50 हजार एवरेज मानकर चलने होंगे, अगर आप पूरे फैमिली के साथ हैं तो। और अगर अकेले हैं तो इससे कम में भी आपका काम हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, बशर्ते बजट ऊपर नीचे ना हो और शॉपिंग से ज्यादा बैग्स ना भरे, क्योंकि दोहा के हैंडीक्राफ्ट्स कमाल के हैं, जिन्हें लेने से आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर दोहा। उम्मीद है दोहा की सैर और हमारी ये मेहनत भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हाँ, वही वाला। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।